अस्सलाम वालेकुम। जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे भी आईडी कार्ड होता है, बस उसको इगामा बोला जाता है। इगामा हर साल अपडेट होता है, हम हुकूमत को फीस पे करते हैं तो वो अपडेट होता है, लेकिन जो उसका कार्ड होता है वो 5 साल के लिए होता है, हर 5 साल के बाद उसको अपडेट किया जाता है। इगामे के ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, और जिसका वीज़ा ड्राइविंग का हो तो उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। मुझे आए हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो मेरा इगामा अपडेट हुआ है, कार्ड अपडेट हुआ है, तो लाइसेंस मेरा थोड़ा बाद में बना था, तो लाइसेंस अपडेट होने में तकरीबन 15 से 20 दिन बाकी रह गए थे। तो एक दिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैं जा रहा था कहीं पर, यहाँ जद्दा की एक मेन रोड है जिसका नाम मलक अब्दुल अजीज़ है, उसकी स्पीड जो है ना वो 100 की है, आप 100 की स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं उसमें। तो मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैं जैसे ही छोटे रोड से बड़े रोड की तरफ आया हूँ, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई है, तो वो तकरीबन 85 के करीब चली गई है। तो मेरे एक सामने गाड़ी थी, जैसे ही वो साइड पे हुई है, मैंने गाड़ी को एक्सीलेटर दिया और गाड़ी 95 पे चली गई। अभी आगे थोड़ा सा शायद रश था, तो गाड़ियाँ हल्की हल्की आहिस्ता हो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने इसको इग्नोर किया। जैसे ही मैं उस गाड़ी के बिल्कुल पास चला गया हूँ, तो मैंने उसके ऊपर जाके राइट साइड को स्टेयरिंग घुमाया और मैं निकल गया वहाँ की तरफ। आधे मिनट का वक़्त गुजरा है, तो वही गाड़ी जिसको मैंने बड़े पूरे तरीके से ओवरटेक किया, वो गाड़ी बिल्कुल स्पीड से मेरे पीछे आ रही। जैसे किसी किसी वीडियो में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कोई गाड़ी गलत ओवरटेक करती है तो पीछे से गाड़ी आती है, बिल्कुल उसके पीछे आके लाइटें जला देती है। बिल्कुल यही सीन हुआ मेरे साथ, वो गाड़ी आई है बिल्कुल मेरे पीछे, बड़ी स्पीड से मेरे पीछे आके साथ में उसने अपनी लाइटें जला दी हैं। साथ ही में उसने बोला कि या चलाइए अभी, अब मुझे बोला, मैंने कहा भाई आज तो लग गए। खैर ये राइट साइड भी की और मैंने जाके छोटे रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, कुर्ते की गाड़ी थी। मेरे उतरने से पहले शुरता उतर गया, उसने बोला मैं बाहर निकला हूँ, उसने बोला अपना लाइसेंस और गाड़ी के पेपर ले आओ। मैं लाइसेंस और गाड़ी के पेपर ले उसके पास गया हूँ, तो उसने पहले बोला पता तो तुम्हें चल ही गया होगा कि तुम्हें क्यों खड़ा किया। मैंने कहा बस, मैंने उसको बड़ा कहा कि मैं थोड़ा मुस्ताजिल था, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, बड़े ही उसको टाल मटोल किया, लेकिन नहीं, उसने कहा अगर तुम्हें आज फ़ाइन है ना किया तो तुम आइंदा ध्यान नहीं रखोगे, इसलिए तुम्हें आज फ़ाइन होगा, और एक नहीं दो होगा। मैंने कहा लो भाई, गेम जो है ना वो 1000 से ऊपर चली गई। खैर उसने बोला पहला तो तुम्हें होगा, तुमने गलत तरीके से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में गए बगैर इंडिकेटर दिए, बगैर इशारा दिए, क्योंकि ये जो काम है वो हादसे का सबब बनता है, इसलिए तुम्हें इसका एक ग्रामा होगा। दूसरा ग्रामा होगा तुम्हें एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की स्पेस ना रखने का। मैंने कहा चलो एक दे दो, वो बोला नहीं दोनों देने और अभी देने। मैंने कहा ठीक है, मैं तो दिल भी यही सोच के बैठा हूँ कि भाई अब 1000 रियाल का आ ही जाएगा। उसने बोला जो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक का वो होगा 150 रियाल। मेरे दिल को थोड़ा सुकून पहुँचा कि काम थोड़ा कम ही है, और दूसरा होगा तुम्हें 300 रियाल का जो तुमने गाड़ी के दरमियान फैसला नहीं रखा। उसने मुझे फिर बड़े बाइज्जत तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस किए और बोला तुम जाओ, अभी तुम्हें थोड़ी देर में जो है ना ऑनलाइन आ जाएगा सब कुछ। उसने मुझे रोका बड़े प्यार से, बड़ी तमीज़ से, बड़े एक खुश अहलाक से उसने मेरे साथ बात की, उसने मुझे दो ग्रामी दी। हालांकि मैंने जिसको ओवरटेक किया था वो गाड़ी भी शुरू की थी, ओवरटेक भी मैंने बहुत गंदे तरीके से किया था, ग्रामे मेरे सच्चे बनते थे, ये ओरिजिनल बात है, वो मेरे बनते थे। लेकिन उसने बहुत प्यार से, बड़े अच्छे अहलाक से मुझे जो है ना फाइन किया और मैं आ गया। ये बुरी आदतें जो आपको पड़ी होती हैं वो इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। पाकिस्तान में मेरे पास जो गाड़ी थी, मतलब मोटरसाइकिल, तो वो 125 थी, 1997 मॉडल था उसका, यानी 1997 इसका मॉडल था। अगर किसी को जो राइडर है उसको पता है वो क्या चीज़ है दूसरे आदमी के लिए, तो वो पुरानी गाड़ी है वो बिल्कुल फारिग है। तो वो पीछे वाली जो आदतें पड़ी होती हैं वो कभी कभी तंग करती हैं, तो इस सूरत में उसका जुर्माना पे करना पड़ता है। जो मुझे ये फ़ाइन हुआ है ये पाकिस्तानी तकरीबन 25 से 30 हज़ार बनता है, तो लिहाजा आप भी ध्यान रखें। सऊदी अरब में निज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो गाड़ी सीधे तरीके से चलाएं, यहाँ से ये वो नहीं चलता भाई। ओके, ये छोटी सी स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।